गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। तो भाई, काफी दिनों से गायब था, पता है भाइयों के कमेंट्स आएंगे कहाँ थे भाई, कहाँ थे। मैं यही हूँ भाई, और सारे अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। पठान के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि रोज एक वीडियो आए, कभी कभी देर भी हो जाती है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो अपडेट्स आपको सारे मिलने चाहिए, ठीक है। चाहे वीडियो रोज आए और आपको अपडेट नहीं मिल रहे, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ, दो तीन अपडेट्स आए हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट तो ये है, मेरे लिए सबसे बड़ा अपडेट तो ये है आपको देने के लिए, कि विशाल और शेखर शाहरुख खान सर की फिल्म पठान का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। वो उसमें म्यूजिक कंपोज करेंगे, और अधिकतर मोस्टली उनके जो सॉन्ग्स हैं वो चार्ट बस्टर होते हैं। चाहे आप चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस ले लीजिए, या रावण का छम्मा छल्लो ले लीजिए, या ओम शांति ओम का आप दर्द डिस्को ले लीजिए। ये ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत वायरल हुए थे उस टाइम जब ये रिलीज हुए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पठान का जो म्यूजिक है वो भी चार्ट बस्टर होगा, और कोई ना कोई सॉन्ग जो है बहुत वायरल होगा। मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। वायरल इन द सेंस कि हर कोई उसी गाने को गाएगा, गुनगुनाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तितलियां गाना चल रहा है आज, ये वही पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इस तरीके से वायरल होगा। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे और पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट तो ये हो गई। दूसरी अपडेट जो कि मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, ये अपडेट मेरे लिए बड़ी थी पहली वाली, दूसरी अपडेट मेरे लिए ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अपडेट ये है कि फेमिना के एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने कन्फर्म करा है कि उनकी फिल्म जो है पठान शाहरुख खान के साथ है। यानी दीपिका पादुकोण ने खुद कन्फर्म करा है पहली बार, इससे पहले दीपिका ने कभी कन्फर्म नहीं किया था। हमें दीपिका जो पता चली थी फिल्म में, वो अलग अलग सोर्सेज से पता चली थी कि दीपिका पादुकोण फिल्म में है, लेकिन अब दीपिका ने खुद कन्फर्म किया है। तो जब भी कोई खुद कन्फर्म करता है तो शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, पठान कन्फर्म हो गई, पठान कन्फर्म हो गई। फिर तीन चार दिन बाद वो कहते हैं अरे यार कोई फिल्म पठान बन भी रही है या नहीं बन रही। मेरे भाई, पठान 1.5 महीने पहले ही कन्फर्म हो गई थी, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, 5-6 आपको ऐसी बातें बता दी थी जिससे कन्फर्म हो जाता है कि पठान कन्फर्म है। वो वीडियो आपने देख ली हो तो अच्छी है, नहीं देखी तो आई बटन पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि पठान कन्फर्म हो गई है, लेकिन जब भी कुछ अपडेट आती, पठान की अपडेट आना रुक जाती हैं, तो फैंस कहते हैं अरे यार पठान फिल्म बन भी रही है या नहीं बन रही। और अभी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ये बोल दिया था कि पठान हिट होगी इंशाल्लाह, तब भी खुश हो गए थे कि पठान है कन्फर्म हो गई, पठान कन्फर्म हो गई। उसके 5 दिनों बाद रोने लग गए कि यार पठान बन भी रही है या नहीं। अब दीपिका पादुकोण ने भी कह दिया, अब खुश हो गए दोबारा कि कन्फर्म हो गई पठान। फिर अब से 3-4 दिन बाद वही शुरू कर देंगे रोना कि यार पठान फिल्म बन भी रही है या नहीं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे नहीं पता क्यों रोक रखी है, लेकिन भाई पठान 1.5 महीने पहले ही कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ पर मुझे खुशी है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं और इतने लोगों तक मेरी बात पहुँच जाती है। तो मैं जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, भाई पठान 1.5 महीने पहले ही कंफर्म है, बिल्कुल 101% लॉक, बिल्कुल 101%। ठीक है भाई, तो ये दो अपडेट हैं पठान को लेकर इस वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था वो वीडियो बन नहीं पाई, अगली वीडियो में बताऊंगा पठान की रिलीज डेट को लेकर। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है पठान की रिलीज डेट पर, पूरी वीडियो वो रिलीज डेट के बारे में ही होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं हरीश कुरैशी मिलूंगा अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। रिलीज डेट का टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक है, यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।